सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं यार आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज तो यार आप सब बहुत खुश भी होंगे क्योंकि कल हमने अपने चैनल पर वर्ल्ड कप को इतनी अच्छी शुरुआत जो दे दी। कल दोस्तों आपको बताया कि इस वर्ल्ड कप के सीजन का पहला मैच खेला गया था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, ठीक है। उस मैच में अपनी क्या शानदार टीम बनी थी यार, है ना। अपनी टीम के कैप्टन थे रचिन रविंद्र, जो बंदा सेंचुरी भी मार गया था कल वाले मैच में और उसने बॉलिंग से भी विकेट निकाल लिया था ना, वो बंदा अपनी टीम का कैप्टन था। और भी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर अपनी टीम में थे और बहुत ही अच्छी टीम कल वाले मैच में अपनी बनी थी और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमने कल वाले मैच में कमाया था, है ना। अब दोस्तों हो सकता है यार आप में से कुछ लोगों को लगे कि हमने वर्ल्ड कप की शुरुआत की थी कल, है ना। लेकिन जो भाई मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि यार हमने वर्ल्ड कप की शुरुआत कल थोड़ी की थी, हमने तो वर्ल्ड कप की शुरुआत वार्म अप मैचेस से ही कर दी थी, है ना। इस वर्ल्ड कप के सीजन के दोस्तों जो भी वार्म अप मैच हमने अपने चैनल पर कवर किए उन सब में भी हमने वन साइडेड क्लीन स्वीप की। इसलिए कल वाले मैच में जो प्रॉफिट मैंने करवाया ना वो मेरे लिए ऐसे कोई मतलब नई बात नहीं थी, क्योंकि वैसे भी हम रेगुलर बेसिस पे अपने चैनल पर प्रॉफिट कमाते ही रहते हैं, जैसे कि आज इस वाले मैच में कमाएंगे दोस्तों। आज जो है आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया 2023 का मैच नंबर 2 है, जो कि खेला जाएगा पाकिस्तान और नेदरलैंड के बीच में, ठीक है। अब दोस्तों देखो यार एक ही बात मैं आपको बोलूंगा कि वर्ल्ड कप का मैच है, बड़ा मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है और ऐसे मैचेज में तुक्के में तो टीम आपको बिल्कुल भी बनानी नहीं है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों इस मैच में भी प्रॉफिट कमाना है तो देखो यार आपको कुछ भी नया काम नहीं करना, बस हमेशा की तरह आपको हमारे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लेना है, क्योंकि यार आपको पता है आगे इस वीडियो में मैं इस मैच की पूरी कुंडली खोल के आपके सामने रखने वाला हूं, ठीक है। बहुत अच्छी एनालिसिस इस मैच की आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसी एनालिसिस का दोस्तों यूज करना, उसी के हिसाब से अपनी टीम बनाना, इस मैच में भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे, ठीक है। तो यार वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना है। बाकी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वही बात है यार, वर्ल्ड कप है, बड़ा मैच है, डेफिनेटली आप लोगों के लिए गिव अवे है ना। कल वाले मैच के दोस्तों जो गिव अवे विनर हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अनाउंस हो चुके होंगे और उसके अलावा जो क्वेश्चन गिव अवे के विनर थे उनको हमारे चैनल की तरफ से रिप्लाई मिल गया होगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में, तो वही बात है, देखो गिव अवे जीतने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। रूल क्या क्या है, सबसे पहला रूल है दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करना ही करना है, ठीक है। वो जो आप लाइक करोगे वो ही आप लोगों के लिए गिव अवे जीतने की टिकट होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों आपको हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होना जरूरी है, डेफिनेटली यार अगर मैं किसी को पैसे भेज रहा हूँ तो अपने चैनल के सब्सक्राइबर को ही भेजूंगा, है ना। तो आपको हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होना जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो को शेयर करना जरूरी है, मिनिमम एक शेयर आपका होना ही चाहिए, चाहे आप व्हाट्सएप पे करो, चाहे आप टेलीग्राम पे चलो, चाहे आप किसी ग्रुप में करो, चाहे दोस्त को करो, है ना। लेकिन मिनिमम एक शेयर आपका होना चाहिए और उसके अलावा दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। ये सिंपल से आपके रूल है। बाकी दोस्तों अपने गिव अवे के सवाल की अगर मैं बात करूं तो सवाल एकदम आसान है ना, बस रूल फॉलो आपको करना है। सवाल क्या है, आपको बताना है कि इस मैच का हाईएस्ट रन स्कोरर कौन रहेगा और वो कितने रन बनाएगा, है ना। बस एक ही सवाल, आसान सा सवाल है और इसका जवाब भी आप 3-4 कमेंट करके अलग अलग कमेंट में दे सकते हो। एक भी कमेंट में अगर आपका जवाब सही आ गया तो आप गिव अवे के विनर बन जाओगे, ठीक है। तो एकदम इजी है, बस आपको जो है गिव अवे के रूल फॉलो करने हैं। बाकी दोस्तों बात करूं इस वीडियो की, तो यार इस वीडियो में आपको हमेशा की तरह इस मैच से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। फिर आगे इस वीडियो में दोस्तों उसी इन्फॉर्मेशन का यूज करके आप और मैं मिलके इस मैच की एक टीम भी बनाएंगे, है ना। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूं कि यार आगे इस वीडियो में जो भी टीम हम बनाने वाले हैं ना, जो भी टीम मैं आपको दिखाऊंगा वो अपनी फाइनल टीम नहीं रहेगी, ठीक है। उसको कॉपी करके उसको छाप के यार आप अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत कर लेना, आप अपना नुकसान करवा बैठोगे, ठीक है। और फाइनल टीम क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि यार फाइनल टीम इस मैच की अभी हम थोड़ी बना सकते हैं, आपको पता है अभी तक इस मैच का टॉस तो हुआ नहीं है ना, और जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास यार नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहती है, नई नई अपडेट आती रहती है। टॉस होने के बाद दोस्तों अपने पास फाइनल प्लेइंग 11 आएगी, फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी, फाइनल वेदर रिपोर्ट आएगी, ठीक है। और भी कोई अपडेट आनी होगी तो वो अपने पास टॉस होने तक आ जाएगी, ठीक है। और भाई उन अपडेट्स की वजह से अपनी टीम में भी चेंजेस हो सकते हैं, तो यार अपनी टीम में जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अपडेट होंगे वो करके अपनी जो भी फाइनल टीम होगी इस मैच की, जिससे मैं खुद भी खेलूंगा और जिससे अपनी पूरी फैंटेसी सपोर्ट की फैमिली भी खेलेगी, वो हमेशा की तरह दोस्तों टॉस के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप में से यार जिस भी भाई ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, देखो यार हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको अपनी साइड स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, ठीक है। फिलहाल में दोस्तों 180,000 के समथिंग लोग वहां पर हमारे साथ जुड़ रखे हैं, ज्वाइनिंग एकदम फ्री है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो देखो मैं आपको बता देता हूं ज्वाइन कैसे करना है। टेलीग्राम चैनल की दोस्तों जो ज्वाइनिंग लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो एकदम फ्री में 1-2 सेकंड के अंदर ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे, तो भाई आपको यार जुड़ ही जाना है, ठीक है। 180,000 के समथिंग लोग जुड़े हुए हैं, रेगुलरली हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा रहे हैं, बहुत अच्छे विनिंग कर रहे हैं, गिव अवे वगैरह भी वहां पर एडिशनली मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करता रहता हूं।
तो मतलब एक तरीके से ऐसा है कि ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेलीग्राम चैनल की ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आपको ज्वाइन हो जाना है, ज्वाइनिंग एकदम फ्री है, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो यार इस मैच की, तो ये वाला जो मैच है आज दोपहर को 2 बजे स्टार्ट होगा, और ये वाला जो मैच है दोस्तों ये राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा जो कि हैदराबाद के अंदर है ये वाला मैदान, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं देखो पिच और वेदर के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो आपका पूरा फोकस जो है वीडियो में रहना चाहिए दोस्तों, पूरा फोकस रख के वीडियो देख लो, प्रॉफिट आप कमा लोगे, प्रॉफिट की चिंता मत करो। अगर एनालिसिस आपके साथ है, मेरी एनालिसिस आपके साथ है, और किसी की गारंटी नहीं लूंगा क्योंकि आपको पता है मैं फुल प्रूफ एनालिसिस करता हूं, मेरी एनालिसिस अगर आपके साथ है तो प्रॉफिट आपका हो ही जाएगा, ठीक है। तो पूरा ध्यान देके एक बार वीडियो आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं हैदराबाद के मौसम के, तो यार देखो हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों में बारिश हुई है, लेकिन आज का जो मौसम है वो एकदम क्लियर है, ऊपर से धूप वगैरह भी आएगी, ठीक है। तो मौसम की वजह से कोई ऐसा इंटरप्शन आज वाले मैच में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं पिच की, तो देखो यार राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है, यहां पर दोस्तों जो वार्म अप मैच हुए है ना, उनमें भी हमने देखा कि अच्छा खासा स्कोर बनाया गया, 300 साढ़े 300 यहां पर एकदम आसानी से स्कोर बनाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहां का जो पिच है ना वो फ्लैट पिच है एक तरीके से, यहां पर दोस्तों स्कोर बनाना आसान है, यहां पर बैटिंग करना आसान है, और अब जब बारिश इंटरप्ट नहीं करेगी तो और अच्छा यहां पर जो है बैटिंग की जा सकती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब एक बार यहां पर ध्यान दो, पिच रिपोर्ट में मैंने यही लिखा है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का जो पिच है वो बैटिंग के लिए अच्छा है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर दोस्तों मैं बात करूं तो फास्ट बॉलर स्टार्टिंग के 10 ओवर्स के अंदर ध्यान रखना थोड़ी स्विंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 10 ओवर के बाद उनको भी स्विंग मिलना यहां पर बंद हो जाएगी। अब यार धूप रहेगी तो हो सकता है जो पिच है वो जैसे जैसे मैच आगे बढ़े वैसे वैसे थोड़ा स्लो हो जाए, वैसे वैसे स्पिनर को सपोर्ट दे जाए, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान रखना कि बैट्समैन को यहां पर सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। पेसर्स को यहां पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा मूवमेंट मिल सकता है, स्पिनर्स को यहां पर ज्यादा हेल्प मिलेगी नहीं। एवरेज स्कोर की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यार इस मैच का मैं 300 के समथिंग मान के चल रहा हूं, लेकिन दोस्तों एक चीज आप नोटिस करो, पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के बीच में ये वाला मैच है ना, पाकिस्तान ओडीआई में थोड़ा सा ठीक खेलेगी लेकिन नेदरलैंड उतना अच्छा नहीं खेल पाएगी पाकिस्तान के बॉलर को ना, तो जो एवरेज स्कोर है वो डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करी है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है तो ध्यान रखना ये 300 की जगह आपको 350 से ऊपर का स्कोर देखने को मिल जाएगा। अगर नेदरलैंड पहले बैटिंग करती है तो हो सकता है जो स्कोर है वो 250 के समथिंग ही रुक जाए, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यार जो भी टीम टॉस जीतेगी आई थिंक उसे पहले बैटिंग यहां पर कर लेना चाहिए, क्योंकि वही बात है ना, पिच जब तक बैट्समैन को अच्छा सपोर्ट कर रहा है उसका फायदा उठा लो, साथ ही साथ दोस्तों धूप पड़ेगी तो पूरे 11 खिलाड़ियों को फील्डिंग कराने का कोई सेंस है नहीं, है ना। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है यहां पर पहले बैटिंग करना सही रहेगा, लेकिन वो तो देखते हैं कप्तान के दिमाग में क्या चलता रहता है, हो सकता है वो टॉस जीतने के बाद बॉलिंग कर ले। बाकी दोस्तों ये तो है अपनी एक प्री मैच पिच रिपोर्ट, आपको पता है फाइनल पिच रिपोर्ट तो अपने पास है, टॉस के टाइम पे ही आएगी और आपके साथ कहां शेयर की जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर की जाएगी, ठीक है। तो एक बार वापस बोल रहा हूं यार, टेलीग्राम चैनल तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना, उसकी ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों देखो वेन्यू स्टेट्स के बारे में, तो ये जो अपना राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है इसके वेन्यू स्टेट्स आप देख लो, आज तक यहाँ पर टोटल दोस्तों 7 ही वनडे इंटरनेशनल के मैच खेले गए हैं, यहाँ पर ज्यादा ओडीआई के मैच हुए भी नहीं है, ठीक है। 7 में से दोस्तों 4 बार उस टीम ने विन किया जिसने पहले बैटिंग की है, 3 बार उस टीम ने विन किया जिसने पहले बॉलिंग किया है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर दोस्तों 288-288 का रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है सबको पता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 350 बना चुकी है, हाईएस्ट स्कोर है, लोवेस्ट स्कोर इंग्लैंड का है 174 का। स्कोरिंग पैटर्न आप देख लेना, मैंने आपको स्कोर का बताई दिया है, इस मैच में जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना स्कोर जा सकता है। बाकी दोस्तों आप लोगों के लिए देखो मैं लेके आया हूँ एक 50,000 रुपये का गिव अवे इस मैच में, ठीक है, और जो आपको मिलेगा माई 11 सर्कल एप्लीकेशन पे, ठीक है। माई 11 सर्कल दोस्तों अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो यार इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसकी डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक से डाउनलोड करोगे तभी आप लोग इस गिव अवे के लिए एलिजिबल हो पाओगे, ध्यान रखना ये गिव अवे तभी एक्टिवेट हो पाएगा, ठीक है। तो माई 11 सर्कल पे इस गिव अवे का आप एक्सक्लूसिवली फायदा उठा सकते हो, और मैं आपको एक कोड भी बताऊंगा आगे जो कि आप डिपॉजिट के टाइम लगाना बहुत जो है आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो माई 11 सर्कल के दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि पहली बात तो ये अपना फ्री गिव अवे है माई 11 सर्कल पे आज वाले मैच में, ठीक है, इसका फायदा आप उठा सकते हो। उसके अलावा दोस्तों माई 11 सर्कल पे जो मेगा ग्रैंड लीग है वो अगर आप खेलते हो तो यहाँ पर आपको पैसों के साथ साथ बहुत और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ओडी आपको कार मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको रियल गोल्ड का भी यहाँ पर जीतने का मौका मिलेगा, ठीक है, रियल गोल्ड, ऊपर से आप लंदन की ट्रिप मार सकते हो, दुबई की ट्रिप मार सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे ऑफर इस बार माई 11 सर्कल आप सबके लिए लेके आया है, स्पेशली वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। तो इन सभी ऑफर्स का आपको फायदा उठाना है माई 11 सर्कल पर, मेगा ग्रैंड लीग जो है उसका भी आपको भरपूर फायदा उठाना है। और अब दोस्तों बात करते हैं देखो डिपॉजिट की, तो देखो अभी क्या चल रहा है आपको पता है, जीएसटी चल रहा है ना, तो माई 11 सर्कल पर आप अगर डिपॉजिट करते हो
तो आपको यार जीएसटी एक्स्ट्रा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। जीएसटी एक बार के लिए आपका कटेगा, फिर तुरंत आपके वॉलेट में रिफंड कर दिया जाएगा, जिसका आप पूरी तरीके से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में यूज कर पाओगे। मतलब कि भरपूर भाई आप डिपॉजिट करो, भरपूर खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दोस्तों डिपॉजिट कोड है, वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो अगर आप लगा दोगे तो 20% एक्स्ट्रा रियल केस आपको मिलेगा। जीएसटी वाला तो मिलेगा, जो मिलेगा 20% एक्स्ट्रा और ले लो, है ना। तो बहुत अच्छा ऑफर फिलहाल में माय 11 सर्कल पर चल रहा है, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं भाई माय 11 सर्कल जब तक ये ऑफर दे रहा है उसका फायदा उठा लेना। माय 11 सर्कल की दोस्तों जो डाउनलोड लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिली जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, देखो यार रिसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यहां पर ध्यान देना। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की टीम की, तो यार इन्होंने जो पिछले 5 मैच खेले हैं वनडे इंटरनेशनल में, उनमें कोई खास परफॉर्मेंस आई नहीं है। सही बात है यार, देखो पाकिस्तान की जो रिसेंट फॉर्म है वो थोड़ी खराब ही चल रही है। इन्होंने दोस्तों लास्ट टाइम जो मैच जीता था वो था पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप में, उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो भी मैच खेले भाई इनको हर किसी ने पहला ही है यार। सही बताऊं कई बार तो दया आने लग जाती है। यहां पर दोस्तों इंडिया ने क्या ही मारा था, आपको बताया ये वाला मैच में कभी नहीं बोल सकता, 10 सितंबर को खेला गया था, है ना। इस वाले मैच में इंडिया ने पहले 350 से ऊपर का टारगेट टांग दिया, फिर पाकिस्तान को 128 पे ऑल आउट कर दिया, ये लो गया ना। उसके बाद दोस्तों श्रीलंका ने भी पाकिस्तान को पहला एशिया कप में, फिर पाकिस्तान ने बोला चलो यार एशिया कप तो गया हाथ से, वार्म अप मैच में अच्छी परफॉर्मेंस कर लेंगे। तो वार्म अप मैच में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रही थी, उसमें 345 रन बना दिए, खुश हो गए। फिर न्यूजीलैंड ने वो स्कोर चेस कर दिया, येलो यहां पर भी ऐसी हो गई। फिर यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान को वार्म अप मैच में हरा दिया। तो एक तरीके से बहुत ही डाउन परफॉर्मेंस चल रही है, और इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई पहले मैच में इनको नेदरलैंड्स मिल रहा है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग टीम मिल जाती इनका तो कैंपेन ही जो है घटिया स्टार्ट हो जाता। खैर दोस्तों अगर मैं बात करूं नेदरलैंड्स की टीम की, तो यार इनकी रीसेंट फॉर्म आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, मतलब चलो रीसेंट फॉर्म ठीक है। इन्होंने दोस्तों लास्ट टाइम जो ओडीआई फॉर्मेट के मैच खेले थे वो खेले थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के, ठीक है। इनके दोस्तों जो दो वार्म अप के मैच होने थे वो दोनों बारिश की वजह से रद्द हो गए थे, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट नेदरलैंड्स की टीम के लिए आ गया। बाकी दोस्तों वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अगर आप देखोगे तो ये श्रीलंका की टीम के अगेंस्ट 2 मैच हारे, बाकी इन्होंने स्कॉटलैंड को हराया, इन्होंने ओमन को हराया, इन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया, है ना। तो इनकी रीसेंट फॉर्म कुछ उस तरीके की है। उसके अलावा दोस्तों हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान के हेड टू हेड ज़्यादा है। आज तक टोटल दोस्तों 6 मैच इन दोनों टीम्स के बीच में ओडीआई के खेले गए हैं, 6 के 6 मैच दोस्तों पाकिस्तान ने जीते हैं। लास्ट टाइम दोस्तों अगस्त 2022 में 3 मैच की वनडे इंटरनेशनल की सीरीज हुई थी और तीनों के तीनों मैच पाकिस्तान ने जीत लिए थे, है ना। और यार नेदरलैंड से हार जाएंगे तो फिर क्या ही इज्जत रह जाएगी, वैसे भी नहीं है इज्जत तो, है ना, लेकिन फिर भी क्या ही रह जाएगी, बच्ची कुची भी उड़ जाएगी, है ना। वो बात हो जाती है दोस्तों देखो रिसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान की टीम न्यूज के बारे में। तो पाकिस्तान की टीम की तरफ से जो भी अपने पास न्यूज आ रही है वो मैं आपको एक बार फटाफट से बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहली बात तो दोस्तों एक इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक इनके लिए नेगेटिव पॉइंट भी है, और वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया पाकिस्तान 2 वार्म अप के मैच खेल चुके हैं, दोनों के दोनों वार्म अप मैच दोस्तों पाकिस्तान के हुए थे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, है ना। तो एक तरीके से ऐसा कह सकता हूं कि पाकिस्तान की टीम को इस ग्राउंड पे खेलने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया, है ना, कि इस ग्राउंड पे खेलने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, तो उस हिसाब से ये इस मैच में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि भाई एक्सपीरियंस तो है लेकिन जो भी मैच खेले हैं वो दोनों के दोनों हारे भी तो हैं इन्होंने, है ना। हालांकि स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट थे वो, लेकिन फिर भी हाँ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो ये पॉजिटिव वे में ही काम में लेना चाहेंगे, इस मैच में जीत जाएंगे पाकिस्तान, है ना। उसके अलावा दोस्तों एक न्यूज आपको बताइए, नसीम शाह जो है एशिया कप में इंजर्ड हो गए थे, वर्ल्ड कप के स्कोर से जो है ड्रॉप कर दिए गए थे, नसीम शाह रूल आउट हो चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों हसन अली की अगर मैं बात करूं तो जो कल इनका नेट सेशन हुआ था ना, हसन अली उस मैच में बॉलिंग करते हुए नहीं दिखे थे, ठीक है, नेट्स में बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आए थे। इनका जगह दोस्तों नेट में बॉलिंग कर रहे थे मोहम्मद वसीम जूनियर, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक प्लेयर आपको खेलते हुए नजर आएगा आज वाले मैच में, या तो हसन अली या वसीम जूनियर। अब कल नेट प्रैक्टिस के हिसाब से देखो तो वसीम जूनियर को खिलाना चाहिए, लेकिन यार आई थिंक कि हसन अली को एक्सपीरियंस ज्यादा है, इसलिए पहले मैच में हसन अली को मौका देना चाहिए, है ना। बाकी वो तो देखेंगे क्या आता है, वो तो फाइनल प्लेइंग 11 के टाइम पे देखेंगे। उसके अलावा दोस्तों और कोई रिपोर्ट अपने पास पाकिस्तान की टीम की तरफ से अभी तक नहीं आई है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहती है, नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहती है, ठीक है। और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी जो मुझे लगेगा कि यार आपको जीतने में हेल्प कर सकती है, वो आपको बताया मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही दूंगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो यार पाकिस्तान के स्कोर के बारे में, तो यार पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप की स्कोर आपकी स्क्रीन के सामने है ना। पूरी स्कोर के ऊपर नजर मारने का कोई सेंस नहीं है, अपन एक काम करते हैं प्लेइंग 11 के ऊपर नजर मारते हैं,
तो मेरे हिसाब से यार आज वाले मैच में आपको ये 11 खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आ जाने चाहिए, जिसमें दोस्तों फकर जमान और इमाम मुल्ला का आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। बाबर आजम नंबर 3 पर है, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग ड्यूटी और नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे। ठीक है, आगा सलमान है दोस्तों, इफ्तिकार अहमद है, फिर दोस्तों शद्दाब खान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन अफरीदी और हरीश रोफ आ जाते हैं। हसन अली की जगह वही बात है, आपको मोहम्मद वसीम भी खेलते हुए दिख सकते हैं। ये एक चेंज इनकी टीम में पॉसिबल है, ये बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है, बॉलिंग स्पेल्स की भी दोस्तों बात कर लेते हैं हम। तो देखो यार, हरीश रोफ अपने पूरे 10 ओवर करवाने वाले हैं, शाहीन अफरीदी अपने पूरे 10 ओवर करवाने वाले हैं, हसन अली और मोहम्मद वसीम जूनियर में से जो भी खेलेगा अपने पूरे 10 ओवर करवाने वाले हैं, तो 30 ओवर तो यहाँ पर हो गए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखो यार, दोनों जो मेन स्पिनर हैं वो अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे फिट हैं, तो वैसे तो 10-10 ओवर इनको ही मिलने चाहिए, पूरे 20 ओवर इनको ही करवाने चाहिए, लेकिन अगर इनमें से किसी एक स्पिनर की ठुकाई होना स्टार्ट हो जाती है तो ध्यान रखना उसके जो ओवर हैं वो इन दोनों में भी बांटे जा सकते हैं। आगा सलमान भी एक आधा ओवर डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं डालेंगे, और इफ्तिकार अहमद भी एक आधा ओवर डाल सकते हैं, ये भी ज्यादा नहीं डालेंगे। ये दोनों पार्ट टाइम बॉलर हैं, इनका उपयोग तभी किया जाएगा जब इन दोनों में से किसी एक की ज्यादा सुताई हो रही होगी, ज्यादा ठुकाई हो रही होगी, अदरवाइज मेजरली जो पूरे 50 ओवर है वो ये नीचे के 5 बॉलर ही इनके करने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बात हो जाती है दोस्तों इन 11 प्लेयर की। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, तो यहां पर एक बार ध्यान रखना, ठीक है, ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अपने पास नाम आ जाता है फकर जमान का, जो कि लेफ्ट हैंड बैटर है, और इमाम उल हक का, जो कि लेफ्ट हैंड बैटर है। तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम के पास एक डिसएडवांटेज है कि इनके जो दोनों ओपनर हैं वो लेफ्ट हैंड बैटर हैं, इनके पास टॉप ऑर्डर में लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं फकर जमान की, तो यार 78 मैच इस बंदे ने अपने ओडीआई के करियर में खेले हैं, ठीक है, आज तक, जिनमें दोस्तों इन्होंने 3200 से भी ज्यादा रन बनाए और 45 से भी ज्यादा का शानदार बैटिंग एवरेज ये होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल रिकॉर्ड इनका ओडीआई करियर अच्छा रहा है, लेकिन दोस्तों अगर मैं वहीं बात करूं इनकी रीसेंट फॉर्म की, तो आप देख पा रहे हो रिसेंटली इन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस किए नहीं है। ठीक है, नहीं तो वार्म अप मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आई, नहीं उससे पहले एशिया कप में कोई खास परफॉर्मेंस आई है ना, स्टार्ट इनको मिल रही है 20 रनों की, 27 रनों की, 22 रनों की, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसी रीजन की वजह से दोस्तों फकर जमान के हो सकता है इस मैच में सिलेक्शन परसेंट कम रहे, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों स्टार्ट मिल रही है, 45 का बैटिंग एवरेज ऐसे ही नहीं मिला है, बड़ी पारी में कन्वर्ट कर सकते हैं, नीदरलैंड्स की टीम में कोई खास प्रेशर रहेगा नहीं तो बड़ी पारी खेल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इमाम उल हक की अगर मैं बात करूं, तो 66 मैच इस बंदे ने अपने करियर में खेले हैं, 2900 से ज्यादा रन है, 50 प्लस का बैटिंग एवरेज है। इनकी भी दोस्तों रिसेंट फॉर्म थोड़ी सी डाउन गई है, सिर्फ एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आई, 78 रनों की पारी आई, उसके बाद दोस्तों 9-1-16 रनों की पारी ये भी खेल रहे हैं, इन्होंने भी पिछले 2-3 मैच में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि 50 का बैटिंग एवरेज ऐसे ही नहीं मिला है, ये छोटी पारियों को बड़ी पारी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सामने नीदरलैंड्स की टीम है, ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, बड़ी पारी खेल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नीदरलैंड्स की टीम है, इसीलिए पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है, एक तरीके से जो पाकिस्तान के टॉप 4 है ना, वो आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, सीवीसी भी अपन इनमें से बना सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। और अगर आपको रिस्क लेना है थोड़ा सा, तो ध्यान रखना आप इमाम उल हक को अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना सकते हो, अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों बाबर आजम डेफिनेटली हम अपनी टीम में रखने ही रखने वाले हैं, कैप्टन के लिए बहुत अच्छी चॉइस है इनकी। अगर आप देखोगे 58 का शानदार बैटिंग एवरेज होल्ड करते हैं, और रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो देखो यार थोड़ी सी डाउन परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन वार्म अप मैच में इन्होंने अपना वार्म अप पूरा कर लिया, पहले वार्म अप मैच में 80 रन बनाए, दूसरे वार्म अप मैच में 90 रन बनाए, और इस पर्टिकुलर मैदान में ही खेले हैं दोनों में, काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, काफी अच्छी फॉर्म में बाबर आजम को हम रखने वाले हैं। ठीक है, मोहम्मद रिजवान दोस्तों विकेट कीपिंग ड्यूटी से भी आपको पॉइंट देंगे, उसके अलावा दोस्तों 65 मैच में 36 के समथिंग का बैटिंग एवरेज होल्ड करते हैं, और रिसेंटली दोस्तों काफी अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं, 103 86 नॉट आउट, 63 नॉट आउट है ना, तो ये भी आप लोगों की टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, रिजवान आपकी टीम के लिए सीवीसी के भी अच्छे चॉइस हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अपने पास ऑप्शन आ जाता है आगा सलमान का। अब दोस्तों वही बात है, हमने अगर पाकिस्तान के टॉप 4 अपनी टीम में उठा लिए तो फिर डाउन दी ऑर्डर के बैट्समैन अपनी टीम में उठाएंगे, उसके ऊपर डाउट कम है। ठीक है, खास करके दोस्तों आप खुद सोचो, अगर नीदरलैंड्स की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो जो पाकिस्तान के बॉलर है ना वो उनको समेट देंगे, ऐसे मान लो कि 250 रन के अंदर अंदर। ठीक है, और 250 रन जब पाकिस्तान चेस करेगी तो मेरे को नहीं लगता कि इनको ज्यादा बैट्समैन की जरूरत पड़ेगी है ना, तो टॉप 4 अपनी टीम में रखने, उसके बाद डाउन डी ओदर के बैट्समैन हो सकता है मैं अपनी टीम में नहीं रखूं, जैसे कि आगा सलमान की अगर मैं बात करूं, बॉलिंग के वैसे भी चांसेस कम है, इन दोनों के बहुत कम है, एक आधा ओवर करवाएंगे तो करवाएंगे, अदरवाइज नहीं करवाएंगे। ठीक है, इनका अगर आप रिकॉर्ड देखोगे दोस्तों तो 18 मैच में 4 विकेट, 19 मैच में 12 विकेट है ना, तो वही बात है रेगुलर बेसिस पे इनको बॉलिंग मिलती नहीं है, बैटिंग आ जाती है
लेकिन नेदरलैंड्स की टीम में तो बैटिंग आने के चांसेस भी कम है। बाकी दोस्तों रिसेंट फॉर्म भी अगर आप देखोगे तो कुछ खास है नहीं इनकी, 12 नॉट आउट, 23, 33 नॉट आउट और 10 ये बैटिंग की हो गई, 0-0-1 बस ये बॉलिंग की हो गई। ठीक है, इसकी अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आई है, इस मैच में वार्म अप मैच में ठीक परफॉर्मेंस आई, उसके अलावा दोस्तों इनकी भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों शादाब खान आपको बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं, बैटिंग से भी दे सकते हैं बैटिंग आए तो, लेकिन बैटिंग आने के चांसेस जब इसके ही कम है तो भाई इसकी कहां से आ जाएगी। ठीक है, तो बैटिंग से ज्यादा उम्मीद नहीं रखना है, बॉलिंग से आप शादाब खान से उम्मीद रख सकते हो, पूरे 10 ओवर अपने कोटे के करवा देंगे मेरे को लगता है। पिछले अगर आप इनके 5 मैच देखोगे तो ओनली 3 विकेट लिए हैं, तो थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म जरूर चल रहे हैं, ध्यान रखना शादाब खान बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी दोनों तरफ से थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है, और ऊपर से हैदराबाद के मैदान में स्पिनर को हो सकता है उतना अच्छा सपोर्ट भी नहीं मिले। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मोहम्मद नवाज की अगर मैं बात करूं तो फिर दोस्तों ये आप लोगों के लिए एक्चुअली ग्रैंड लीग की पिक टिप हो जाती है कि अगर आप रिस्क लेके ग्रैंड लीग की टीम से शादाब खान को ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इस बंदे के सिलेक्शन परसेंट ऑलरेडी 70% से ज्यादा रहने वाले हैं और हो सकता है ये बंदा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करे। ठीक है, मोहम्मद नवाज की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इनका जो रिकॉर्ड है वो आप खुद भी देख सकते हो, रिसेंट फॉर्म दोस्तों इनकी भी खराब है, वार्म अप मैच में जरूर इन्होंने वार्म अप कर लिया, पिछले मैच में 50 रन बनाए थे, एक विकेट भी ले लिया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के मेन बॉलर आ जाते हैं, फास्ट बॉलर आ जाते हैं जो कि आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक है, जिनमें दोस्तों तीनों ही नाम शामिल हो जाते हैं एक्चुअली, हसन अली, शाहीन अफरीदी, हरीश रोफ। ठीक है, इन दोनों को तो अपनी टीम में रखना ही रखना है, इसमें तो 1% भी मेरे को डाउट नहीं है कि भाई शाहीन अफरीदी को अपनी टीम में आंख बंद करके उठा लूंगा, हरीश रोफ को आंख बंद के उठा लूंगा। दोनों का रिकॉर्ड दोस्तों शानदार है, 44 मैच में 86 विकेट है, 28 मैच में 53 विकेट है, दोनों की इकोनॉमी रेट दोस्तों 6 से नीचे की रहती है वनडे क्रिकेट में, और दोनों ने ही काफी अच्छी बॉलिंग की है। पिछले 4 मैच में अगर आप देखोगे शाहीन अफरीदी ने टोटल 4 विकेट निकाले हैं, और हरीश रोफ की अगर आप पिछले 5 मैच देखोगे तो टोटल 8 विकेट अपनी टीम के नाम कर चुके हैं। ठीक है, तो दोनों ही काफी अच्छे बॉलर हैं और नेदरलैंड्स की टीम के अगेंस्ट तो डेफिनेटली अच्छी बॉलिंग ये कर ही सकते हैं, बस हसन अली का नाम आ जाता है जिन्होंने 60 मैच में 91 विकेट लिए हैं, और जो पिछले 2 वार्म अप मैच खेले उनमें सिर्फ 1 विकेट लिया, उससे पहले दोस्तों ओडीआई क्रिकेट इनको खेले हुए बहुत टाइम हो गया है ना, तो देख लेना अगर हसन अली को रखना चाहोगे भाई नेदरलैंड्स की टीम के अगेंस्ट, क्या पता अच्छी परफॉर्मेंस कर ही दे, तो उस हिसाब से रख सकते हो। अगर ड्रॉप करना चाहो तो उनकी जगह किसको रख सकते हो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, फिलहाल में दोस्तों ये बात हो जाती है दोस्तों पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में, अब हम बात करते हैं नेदरलैंड्स की टीम की। तो सबसे पहले वही बात है यार, नेदरलैंड्स की हम टीम न्यूज देख लेते हैं। ठीक है, टीम न्यूज में क्या है कि भाई इन्होंने लास्ट टाइम कौन से वनडे के मैच खेले, मैंने आपको बताई दिया वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेला था और उनमें अच्छे फॉर्म में नजर आए थे, श्रीलंका के अगेंस्ट 2 मैच हुए लास्ट में, वो दोनों हार गए थे, लेकिन उसके अलावा वेस्ट इंडीज, ओमन और स्कॉटलैंड को इन्होंने हराया था, ये बात मैं आपको ऑलरेडी रिसेंट परफॉर्मेंस में बता चुका हूं, और वो भी तब दोस्तों जब इनके जो मेन प्लेयर हैं 7 मेन प्लेयर इनकी टीम से गायब थे, ये बात ध्यान रखना 11 में से 7 मेन प्लेयर इनकी टीम से गायब थे, और जो सेकंड हैंड प्लेयर थे ना वो खेल रहे थे, लेकिन अब जब जो मेन प्लेयर हैं वो अवेलेबल है तो हो सकता है थोड़ी और अच्छी परफॉर्मेंस इनकी टीम की तरफ से आ जाए। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि इनके जो 2 वार्म अप के मैच हुए थे दोनों कैंसिल हो गए आपको बताया, तो ये इनका एक तरीके से बैड लक था। उसके अलावा दोस्तों और कोई रिपोर्ट अपने पास नेदरलैंड्स की टीम की तरफ से अभी तक नहीं आई है, और वही बात है यार कि जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहेगी, और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तो वो मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही दूंगा। ठीक है, ये बात हो जाती है दोस्तों नेदरलैंड्स की पूरी स्क्वाड के बारे में, ये आपके स्क्रीन के सामने है पूरी स्क्वाड। ठीक है, स्क्वाड के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट आते हैं दोस्तों प्लेइंग 11 के ऊपर। तो नेदरलैंड्स की टीम की तरफ से जो प्लेइंग 11 होने वाली है इस मैच की वो आपकी स्क्रीन के सामने, मेरे को लगता है कि ये 11 खिलाड़ी आपको आज वाले मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं, इनमें डेफिनेटली एक आधा चेंज हो सकता है, वो तो अपने पास फाइनल प्लेइंग 11 आएगी तो ही पता लगेगा, और जो भी पता लगेगा जो भी प्लेइंग 11 आएगी आपके साथ में टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, बॉलिंग स्पेल्स की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो पोल वान मकिरन अपने पूरे कोटे के 10 ओवर करवाने वाले हैं, लोगन वान बीक अपने 10 ओवर करवा देंगे, रियान क्लेन अपने 10 ओवर करवा देंगे। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो देखो बास द लीड भी अपने आई थिंक पूरे 10 ओवर करवा देंगे, तो 40 ओवर तो यहां पर क्लिक हो जाते हैं। ठीक है, जो बचे हुए 10 ओवर हैं वो स्पिनर्स अपने में बांटेंगे, एक तो वांडेर मर्वे, एक शरीज अहमद, ये दोनों आई थिंक अपने बीच में 10 ओवर बांटने वाले हैं ना, बाकी वो तो देखते हैं, बाकी एक बार फाइनल प्लेइंग 11 भी आने दो उसके हिसाब से भी बॉलिंग स्पेल्स में आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे कंफर्म कर दूंगा। आप दोस्तों बात करते हैं देखो इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, लेकिन उससे पहले देखो यार आपने हमारा इतना वीडियो देख लिया, मतलब डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा हो तो यार वेट किसका कर रहे हो, आपके भाई का ही वीडियो है, इस वीडियो को लाइक करो, है ना। वर्ल्ड कप का मैच है यार, कल वाले मैच में आपने लाइक टारगेट कंप्लीट किया 5000 लाइक का, देख के बहुत अच्छा लगा, और कल वाले मैच में हमने प्रॉफिट भी कमाया है ना, तो देखो यार आपको प्रॉफिट करवाने का काम मेरा है,
लेकिन थोड़ा तो सपोर्ट आप भी दिखाओ यार, है ना। इस वीडियो पर भी दोस्तों लाइक टारगेट है 5000 लाइक का, वो कंप्लीट करना आपको, है ना। जिसने भी लाइक नहीं किया वो नीचे लाइक का बटन आ रहा है फटाफट से दबा ही देना मेरे भाई, एकदम फ्री है। बस वो आपका लाइक जो है वो मेरे को मोटिवेशन देता है, पैसे वगैरह नहीं मिलते मेरे को, मोटिवेशन देता है आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी टीम लाते रहने के लिए, ठीक है। बाकी दोस्तों बात करते हैं देखो इन 11 प्लेयर के बारे में। सबसे पहले दोस्तों अपने पास नाम आ जाता है विक्रमजीत सिंह का और मैक्स ओदाउद का, ठीक है। इनके पास दोस्तों लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है टॉप ऑर्डर में, कि विक्रमजीत सिंह जो है लेफ्ट हैंड बैटर है और मैक्स ओदाउद जो है वो राइट हैंड बैटर है, पाकिस्तान के बाद दोनों लेफ्ट हैंड बैटर है, ठीक है। बाकी यहां पर दोस्तों विक्रमजीत सिंह की अगर मैं बात करूं तो 25 मैच इसने अपने ओडीआई के करियर में खेले हैं, 32 के समथिंग का बैटिंग एवरेज है। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो रिसेंटली एक्चुअली इनको खेले हुए 2-3 महीने हो गए हैं वनडे क्रिकेट, है ना। लास्ट टाइम वर्ल्ड कप क्वालिफायर से खेले थे, लेकिन जो खेला था उसमें एक मैच में 110 रनों की पारी आई थी, उसके बाद जो परफॉर्मेंस है वो डिप खाती चली गई। और दोस्तों देखो यार नेदरलैंड्स के जो दोनों ओपनर है ना, दोनों ही मैं अपनी स्मॉली की टीम में नहीं रखूंगा, क्योंकि सामने से बॉलिंग कौन कर रहा है, शाहीन अफरीदी, हरीश श्रॉफ, ऐसे लोग बॉलिंग कर रहे हैं, तो ओपनर्स के तो विकेट गए ये तो मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैक्स ओदाउद देख लो, 33 मैच में 1158 रन है, 38 के समथिंग का बैटिंग एवरेज है। इनको भी वही बात है कि पिछले कुछ मैच में स्टार्ट मिली, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, है ना। अगर मैं बात करूं दोस्तों बरेसी की तो 45 मैच इस बंदे ने अपने करियर में खेले हैं, 1200 के समथिंग रन है, 30 के समथिंग का बैटिंग एवरेज है। और पिछले अगर आप 3 मैच देखोगे तो 97 रनों की एक पारी आई, उसके बाद इनकी भी परफॉर्मेंस डाउन है, है ना। मैं दोस्तों नेदरलैंड्स की टीम की तरफ से प्रीफर करूंगा कि ऑलराउंडर अपनी टीम में उठाऊं, क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट मेरे को दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बास दलीद की अगर दोस्तों में बात करूं तो 30 मैच इस बंदे ने अपने ओडीआई के करियर में खेले, 765 रन बनाए, 24 विकेट हैं, ठीक है। इनकी अगर आप ये भी देख लो, बाकी रीसेंट फॉर्म भी दोस्तों इनकी काफ़ी अच्छी रही है, 39 रन बनाए थे इस मैच में, विकेट नहीं ले पाए थे, उसके बाद इस मैच में शतक भी आ गया, 5 विकेट भी आ गए, ठीक है। तो बास दलीद आपकी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, क्योंकि ये बंदा या तो बैटिंग से या बॉलिंग से कहीं ना कहीं से पॉइंट दे ही देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अपने पास ऑप्शन आता है कोलिन अकरमैन का, 7 मैच इसने अपने ओडीआई के करियर में खेले, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं T20 लीग्स वगैरह खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है अकरमैन को, है ना, जिसमें दोस्तों 211 रन है, 4 विकेट है। ये रिसेंटली कोई भी वनडे के मैच इन्होंने खेले नहीं थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर आप कोलिन अकरमैन को अपनी टीम में रखना चाहो तो रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों स्कॉट एडवर्ड्स हैं, जो कि आपको विकेट कीपर सेक्शन में देखने को मिलेंगे, साथ साथ दोस्तों टीम के कैप्टन भी है, 38 मैच इस बंदे ने खेले हैं, 40 का बैटिंग एवरेज है, लेकिन रिसेंटली इनकी परफॉर्मेंस दोस्तों उतनी अच्छी नहीं आई है। लेकिन मैं आपको बता दूं स्कॉट एडवर्ड्स एक मैच्योर प्लेयर है, अगर टिक के खेले तो बड़ी पारी खेल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ रैन क्लेन की तो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, 12 मैच में 12 विकेट हैं, 5 की कोनिंग रेट है, और पिछले जो 3 उन्होंने वनडे के मैच खेले हैं तीनों में जो है 2-2 विकेट निकाले हैं और अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, और इस मैच में भी जो है आपको अच्छी खासी बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लोगन वान बीक है, 25 मैच में 34 विकेट है, 337 रन है, ठीक है। बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा डाउन है, लेकिन बैटिंग आ जाएगी क्योंकि सामने बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की, ठीक है, तो बैटिंग आ जाएगी, थोड़े बहुत रन भी बैटिंग से बना देते हैं तो काफ़ी है। बाकी अपने कोटे के 10 ओवर करने ही वाले हैं जिनमें ये विकेट निकाल सकते हैं, तो ये भी आपको ओवरऑल ठीक ठाक पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन आ जाता है आरवीडी मर्वे का, इन्होंने दोस्तों 16 मैच अपने करियर में खेले, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, और इनके अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो 19 विकेट है, 4.98 की इकोनॉमी रेट है। रिसेंटली कोई भी इन्होंने 50 ओवर फॉर्मेट का गेम नहीं खेला, सिराज अहमद ने भी दोस्तों रिसेंटली कोई 50 ओवर फॉर्मेट का गेम नहीं खेला, और साथ साथ दोस्तों इकोनॉमी रेट सिराज अहमद की काफ़ी ज़्यादा रहती है, ऊपर से दोस्तों लेग स्पिनर है, और यहाँ पर आपको बताया कि हैदराबाद के मैदान में स्पिनर को उतना सपोर्ट मिला गया नहीं, तो सिराज अहमद को एक बार के लिए कंसिडर नहीं करूंगा। पोल वन विकेरन को दोस्तों हम कंसिडर कर सकते हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, 13 मैच में 15 विकेट हैं, 5.56 की इकोनॉमी रेट है, और इन्होंने रिसेंटली जो 50 ओवर फॉर्मेट के गेम खेले उनमें इन्होंने भी 2-2 विकेट निकाले, अपने कोटे पूरे 10 ओवर कर देंगे, और इनकी भी बैटिंग आ जाएगी मेरे को लगता है, और बैटिंग से वही बात है 10-5 रन भी बना दिए तो वो भी एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट ही है, वो भी एक तरीके से थोड़े बहुत पॉइंट तो अपने को दे ही देंगे, है ना। अब दोस्तों देखो यार अभी तक इस वीडियो में हम इस मैच से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं, ठीक है। अब जनरली ये सारे रिकॉर्ड बताने के बाद मैं आप लोगों को क्या बताता, मैं आप लोगों को टॉप परफॉर्मर्स बताता, प्लेयर बैटल्स बताता, है ना। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि यार पाकिस्तान और नेदरलैंड्स की टीम के बीच में वनडे क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेला गया है, और खेला भी गया है तो जो प्लेयर आज वाले मैच में पार्ट लेने वाले हैं ना उनने आमने सामने जो है ज़्यादा फेस नहीं किया है, तो नहीं तो दोस्तों टॉप परफॉर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं और नहीं प्लेयर बैटल ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। वैसे भी हमने इस मैच में काफ़ी अच्छी एनालिसिस कर ली, हमने दोस्तों पिच रिपोर्ट देख ली, वेदर रिपोर्ट देख ली, है ना, हेड टू हेड रिकॉर्ड देख ली, रिसेंट परफॉर्मेंस देख ली, वेन्यू रिपोर्ट देख ली, है ना,
प्लेइंग 11 देख ली, पूरी स्कोर देख ली, टीम न्यूज देख ली, प्लेइंग 11 के सारे रिकॉर्ड देख ली, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस मैच से रिलेटेड ऑलरेडी हम इस वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अब देखने के लिए दोस्तों हमेशा की तरह सिर्फ एक ही चीज बाकी है और वो है यार इस मैच की टीम। तो यार उसके ऊपर भी ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, मैं फटाफट से दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाता हूँ। ठीक है, ड्रीम 11 ऑन कर लेता हूँ। मेरे मोबाइल की दोस्तों जो स्क्रीन है वो भी आपको साइड में दिख पा रही होगी, और ये रहा दोस्तों अपने पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का मैच, जिसकी मैं आपको फटाफट से एक टीम बना के दिखा देता हूं। लेकिन दोस्तों ये जो भी टीम मैं आपको बना के दिखाने वाला हूं, उससे पहले ही मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि यार ये जो भी टीम अपनी बनने वाली है ना, इसको फाइनल टीम मत समझ लेना, ये फाइनल टीम नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें चेंजेज हो सकते हैं, इसमें अपडेट हो सकते हैं, और जो भी चेंजेज होंगे, जो भी अपडेट होंगे, वो आपके साथ टॉस के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहा होगा, आप खुद देख सकते हो कितने लोग जुड़े हुए फिलहाल में, 180,000 लोग यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रेगुलरली हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा के बहुत अच्छी विनिंग कर रहे हैं। ठीक है, कल वाले मैच में भी अच्छा प्रॉफिट कमाया, आज वाले मैच में भी अच्छा प्रॉफिट कमाने वाले हैं, उससे पहले वार्म अप मैच में भी रेगुलरली हमने क्लीन स्वीप की थी, है ना। तो अगर आप नहीं जुड़े हो तो भाई आपका मोस्ट वेलकम है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिली जाएगी, तो आपको जरूर से ज्वाइन हो ही जाना है। ठीक है, बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो यार हम अपनी टीम की, तो देखो यार विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास मोहम्मद रिजवान और स्कॉट एडवर्ड्स का ऑप्शन है, जिसमें से डेफिनेटली मैं मोहम्मद रिजवान को रखूंगा। मैंने आपको बताया पाकिस्तान के टॉप फोर में अपनी टीम में रखने वाला हूं, तो बाबर अजम, इमामुल हक और फकर जमान, इन चारों को मैंने अपनी टीम में रख लिया। ठीक है, अगर आपको दोस्तों थोड़ा सा सेफ खेलना हो तो यार फकर जमान को देखो ड्रॉप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आई थिंक यार नेदरलैंड्स की टीम के अगेंस्ट बंदा मार सकता है, इसलिए एक बार के लिए मैं रख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखो नेदरलैंड्स की टीम के ऊपर आते हैं, मैक्स ओदाउत जो कि ओपनर है अपनी टीम में नहीं रखूंगा, क्यों, क्योंकि इनको खतरा है। किससे खतरा है? शाहीन अफरीदी से खतरा है, हरीश रोफ से खतरा है, हसन अली या मोहम्मद वसीम जूनियर जो भी बॉलिंग करेगा, जो भी खेलेगा, उससे भी खतरा है ना। तो एक बार के लिए ओदाउत को नहीं रख रहा। उसके बाद दोस्तों बरेसी हैं जो कि जो है रिसेंटली सिर्फ एक मैच में चले, उसके अलावा नहीं चले, इनको भी नहीं रख रहा। विक्रमजीत सिंह को भी नहीं रख रहा, किसी को भी नहीं रख रहा, बस ये तीन काफी हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं, देखो बास दलीद को अपनी टीम में रखूंगा, और एक बार के लिए दोस्तों कोलिन अकरमैन को भी मैं अपनी टीम में रख रहा हूं, क्योंकि एक्सपीरियंस है बंदे को, और अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे ही अगर थोड़ी बहुत रन बना देता है तो काफ़ी बात है, और इनको एक्सपीरियंस के बलबूते पे ही क्या पता कि थोड़े बहुत ओवर भी दे दिए जाएं बॉलिंग के लिए। तो एक बार के लिए कोलिन अकरमैन को रख रहा हूँ। कोलिन अकरमैन को दोस्तों सिलेक्शन में आपको बता दूं श्योर नहीं है, वो टॉस होने के बाद मैं एक बार वापस डिसाइड करूंगा, वापस सोचूंगा, अगर इसको अपनी टीम से हटाना होगा तो टॉस होने के बाद मैं अपनी टीम से हटा दूंगा, और अपडेट आप लोगों के साथ में अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों वही बात है, अगर आपको सेफ खेलना है शद्दाब खान ले सकते हो, क्योंकि देखो शद्दाब खान बैटिंग से फॉर्म नहीं देंगे ये तो लगभग मान के चलो, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर डाउन है, लेकिन बॉलिंग अपने 10 ओवर करवाने वाले हैं और उनमें एक आधा विकेट निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है ही बंदे को, थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म ही तो चल रहे हैं, तो अपनी फॉर्म तो कभी भी पकड़ सकते हैं ना, तो विकेट निकाल सकते हैं, 10 ओवर में एक आधा विकेट भी निकालेंगे तो वो अच्छे खासे पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आते हैं देखो बॉलिंग सेक्शन में, शाहीन अफरीदी, हरीश रोफ, लोगन वान बीक, और मैं जो है हसन अली को ही उठाने की सोच रहा हूं, ये आपके साथ ने जो अपनी टीम है ना वो हसन अली के साथ 8-3 का कॉम्बिनेशन है, अगर आपको दोस्तों 7-4 का कॉम्बिनेशन देखना हो तो हसन अली की जगह पॉल वान मिकेरन को उठा सकते हो, ये आपका 7-4 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, है ना। लेकिन जब भाई ड्रीम इलेवन मेरे को अलाउ करता है आराम से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तो फिर मैं 8-3 का कॉम्बिनेशन बना लूंगा। और दोस्तों ये जो आप टीम देख रहे हो ना, ये सेम टू सेम टीम अपनी जो है एक्चुअली माई इलेवन सर्कल पर भी बनेगी। माई इलेवन सर्कल के बारे में ऑलरेडी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, है ना, एक बार यहां पर भी मैं आपको फटाफट से टीम बना के दिखा देता हूं। ये रहा अपना पाकिस्तान नेदरलैंड वाला मैच, और इसमें वही बात है, देखो मोहम्मद रिजवान को हम उठाएंगे, बाबर अजम, फकर जमान, ठीक है, इमाम उल हक यहाँ से उठाएंगे, ऑलराउंडर सेक्शन से दोस्तों बास दलीद को अपन उठाएंगे, शद्दाब खान को अपन उठाएंगे, और उसके अलावा दोस्तों कोलिन अकरमैन को हम उठाएंगे। उसके बाद दोस्तों आएंगे हम इधर बॉलिंग सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन में शाहीन अफरीदी, हरीश रोफ, लोगन वान बीक और हसन अली को अपन अपनी टीम में उठाएंगे। ठीक है, और ये वाली जो आप टीम देख रहे हो सेम टीम मैंने ड्रीम इलेवन पे बनाई, सेम टीम मैं माई इलेवन सर्कल पे बना रहा हूँ। माई इलेवन सर्कल पे दोस्तों अपने यूजर्स के लिए गिव अवे वगैरह चल रहा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। माई इलेवन सर्कल की डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिली जाएगी, है ना। बाकी दोस्तों बात करूं अगर मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, नहीं 11 प्लेयर में, लेकिन उससे पहले देखो यार अपना जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, तो यार आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जाते जाते यार वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और आप में से यार जिस भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देखो यार लगभग 6 लाख लोग ऑलरेडी हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं एकदम फ्री में, सालों से जो है प्रॉफिट कमाते आ रहे हैं, आप भी कमा सकते हो, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। अभी तो वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है, बहुत सारे मैच बाकी, बहुत अच्छा प्रॉफिट हम कमाने वाले हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो बाबर अजम डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस है, उसके अलावा दोस्तों आप जो है रिस्क लेके इमाम उल हक को बना सकते हो, सेफ खेलना चाहो मोहम्मद रिजवान को बना सकते हो, एक अदर सेफ चॉइस है शाहीन अफरीदी,
और अगर नेदरलैंड्स की टीम का कोई प्लेयर आप देख रहे हो सीवीसी के लिए, तो फिर वो बास द लीद ही बनता है, उसके अलावा कोई भी और चॉइस बनती ही नहीं है, ठीक है। और बास द लीद को भी अगर आपको मतलब थोड़ा हल्का रिस्क लेना हो तभी बनाना, अदरवाइज आप सेफ खेलने के लिए मोहम्मद रिजवान या फिर शाहीन अफरीदी के साथ जा सकते हो, ठीक है। बाकी यार दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज में भी अपने कोई चेंजेस होंगे, कोई अपडेट होंगे तो वो भी मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। और तो देखो यार गिव अवे वगैरह में पार्टिसिपेट कर लेना। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।